2022 की बात है जब कॉइनबेस ने अपनी सर्विसेज शुरू करी थी इंडिया में, और शुरू करते ही 3-4 दिन के अंदर यूपीआई सर्विसेज बंद कर दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से कॉइनबेस ने सीधा बोल दिया कि हम अपनी सर्विसेज बंद करने वाले हैं। तो आपने देखा कि कॉइनबेस बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में काम करने वाला था, लेकिन 2022 में ऐसा हुआ। अभी फिर से एक नई अपडेट आ रही है कि कॉइनबेस फिर से अपनी सारी सर्विसेज को सीज करने वाला है। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि इसका रिप्लाई भी सामने आ चुका है। ये र्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये कितना के सच है, क्योंकि ये सच भी है, लेकिन ये किस तरीके से इंपैक्ट करने वाला है हम सभी को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कॉइनबेस की सर्विसेज चलेंगी या नहीं चलेंगी। इसी के साथ साथ क्या कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर काम चल रहा है, G20 में प्लान्स बनाए गए हैं, और बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, वो ये आई है कि बैन नहीं करी जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज। एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम सारी अपडेट्स सबसे पहले डालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि कॉइनबेस की सच्चाई क्या है। तो कॉइनबेस की सर्विसेज बंद हो रही हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये बहुत सारी रिसोर्सेज ने अपडेट किया है, बहुत लोगों को मेल भी आया है कि उनकी सारी कॉइनबेस रिटेल सर्विसेज डिसकंटिन्यू करी जा रही हैं, जिसमें साफ साफ इन्होंने ये कहा कि रिटेल जो सर्विसेज हैं वो कुछ ऐसे अकाउंट्स की बंद करी जा रही हैं, उनकी जो एक्सेस है वो डिसेबल करी जा रही है, और साफ साफ उनको ये भी बोल दिया गया कि अपना जितना पैसा है वो निकाल लो हमारी एक्सचेंज से। और इसका रीज़न भी इन्होंने साफ बताया कि आपने हमारे जो अपडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आपने फॉलो नहीं किए स्टैंडर्ड्स को, आपने स्टैंडर्ड्स को ब्रीच किए, जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट्स को रन नहीं कर पाएंगे और आपके अकाउंट्स को डिसेबल कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ईमेल बहुत से रिटेल कस्टमर्स जो कि कॉइनबेस के ऊपर एक्सचेंज इन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था उनको आया है, जिसकी वजह से एक र्यूमर फैला कि शायद कॉइनबेस बिल्कुल ही बंद होने वाला है। लेकिन कॉइनबेस ने साथ के साथ अपना एक जवाब भी दे दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि सच्चाई है कि ये जो सर्विसेज बंद करी जा रही हैं, ये जो वार्निंग्स दी जा रही हैं कि 25 सितंबर तक सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी, अकाउंट्स डिसेबल कर दिए जाएंगे, आपके फंड्स को निकाल दिया जाएगा या फिर निकालना चाहिए आपको एक्सचेंज से, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मेल आया है, यानी कि सारे इंडियन कस्टमर्स को नहीं आया है, सिर्फ उनको आया जिन्होंने एक्सचेंज के स्टैंडर्ड्स को ब्रीच किया है। लेकिन इसका बाकी कॉइनबेस के यूजर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि सारे अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही अकाउंट्स हैं जिनको बैन किया जा रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉइनबेस की आज हम बात कर रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि कॉइनबेस आप यूज़ भी नहीं करते, क्यों कॉइनबेस की हम बात करें या सुने। सच्चाई है कि जब कॉइनबेस इतनी बड़ी एक्सचेंज जो इंडिया में आई है, अगर वो काम नहीं कर पाएगी तो सारी एक्सचेंजेस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी रेगुलेशंस के ऊपर और जो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फाइनली अच्छी न्यूज़ यही है कि एक्सचेंज इसी तरीके से रन करने वाली है। दूसरी अच्छी अपडेट ये आई है कि क्रिप्टो एसेट्स जो हैं उनको बैन नहीं किया जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया जाएगा। जो नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जो रेगुलेटरी मेजर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें बैन की बात नहीं करी गई है, बल्कि इनको रेगुलेट करने की बात करी गई है, ताकि सारी कंट्रीज एक ही रेगुलेशन को फॉलो कर पाएं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मॉनिटरी इशू यही आ रहा है कि बिटकॉइन को क्या लीगलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से बात वही करी गई है कि बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको एज ए लीगल टेंडर लीगलाइज नहीं किया जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे सजेशंस ये दी गई हैं कि लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिप्टो एसेट इश्यूअर्स को, यानी कि एक्सचेंजेस को, यहाँ पे हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। वरना मार्केट में आपने देखा होगा कि कोई भी कॉइन आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है और पैसा निकाल के, यानी कि पैसा लूट के चला जाता है, जो कि बहुत बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ये खासकर बेयर मार्केट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने स्कैम किया था वो शायद ख़त्म भी होते जा रहे हैं, वरना बुल मार्केट में कई सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स आए थे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी, वो है CARF, यानी कि क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इसी के साथ साथ अमेंडमेंट आएगी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सारी कंट्रीज़ का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा, सभी को रिपोर्ट होगा। इससे क्या है कि इन्फॉर्मेशन एक कंट्री की दूसरी कंट्री में होगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्रिप्टो एसेट्स का वो आएगा, तो हर एक चीज़ सामने आने वाली, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहने वाली है। टैक्स पर्पसेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस के द्वारा एक्सचेंज करी जाएगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि अभी गवर्नमेंट के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने कितना ट्रेड किया, कितना बाय या सेल किया, कितना प्रॉफिट बनाया, TDS कितना बनता है, आपने दिया या नहीं दिया। लेकिन आने वाले समय में यही चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी जाएगी, ताकि टैक्सेस पूरे लिए जाएँ, पे किए जाएँ,
और टैक्स जो नहीं दे रहा है उनके ऊपर एक्शंस भी ले जा रहे और पेनल्टीज भी लगेंगी। और अगर आप नहीं जानते तो आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और इसमें जो ग्रोथ है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इकॉनमी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही है, जिस कारण इंडिया की सारी एजेंसीज क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी काम कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए। अगर इंडिया नहीं समझ पाएगा या फिर ग्लोबली बाकी कंट्रीज़ को स्टैंडर्ड्स नहीं समझ आएंगे क्रिप्टो करेंसीज के, तो सारी की सारी कंट्रीज़ पीछे रह जाएंगी और कॉमन फ्रेमवर्क नहीं होगा तो टैक्सेस भी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो क्या है कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा किसी भी इकॉनमी का। तो एक बात सबसे अच्छी यही है कि एटलीस्ट इंडिया बैन के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो बैन का ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये सीधा सीधा बैन लगाने की ही बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये बैन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी हमसे लेने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30% टैक्स और 1% TDS ले रहे हैं। और जब ये रेगुलेशंस आ जाएंगी इससे क्या कि CBDC से अभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शंस बहुत ही इजीली हो पाएंगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, एंड हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कॉइनबेस कहीं नहीं जा रहा है, कॉइनबेस अपनी सर्विसेज इसी तरीके से देगा। हालांकि इस न्यूज़ से क्या कि 4-5% कॉइन का प्राइस यानी कि इसके शेयर्स का प्राइस नीचे गिरा है। होपफुली कॉइनबेस अगर अच्छा काम करेगा इंडिया में तो हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कॉइनबेस वन ऑफ द ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जैसे बिल्कुल हम बाइनेंस को यूज़ करते हैं। आपके क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। किसी भी कॉइन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिबा इनू है, WRX है, या आपका कोई भी फेवरेट कॉइन या प्रोजेक्ट है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।